हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो ये है मेरा एक सैटरडे मॉर्निंग रूटीन वाला व्लॉग। तो मेरा सुबह शुरू हो जाता है 6:15 से, पहले भी बताई थी। जब भी कल छुट्टी था मेरा बेटी का स्कूल का छुट्टी था और ऑफिस का भी छुट्टी था, लेकिन मेरा जो एक हैबिट सा हो गया है मॉर्निंग में उठना, तो इसलिए मेरा नींद टूट ही जाता है। तो उठने के बाद मैं थोड़ा सा क्लीनिंग कर ले रही हूँ। तो जो किचन है उसके पहले दिन रात को मैंने वो ओवन और वो जो काउंटर टॉप है उसको क्लीन नहीं किया था। तो तब मैं सुबह उठकर वो काउंटर टॉप और गैस को बहुत अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। और काउंटर टॉप पे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको भी थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। और वो जो बेस होता है ना, वो जो विंडो का जो बेस होता है, वहाँ पर भी ना बहुत सारे वो जो तेल का जो छीटा है ना वो पड़ता है, तो उसको भी क्लीन कर लेना पड़ता है, नहीं तो गंदा दिखता है। तो इसलिए ये कपड़ों को मैंने भिगा ली है और फिर अच्छे से वो गैस को और काउंटर टॉप को मैंने क्लीन कर ले रही हूँ। तो मॉर्निंग में अगर ये क्लीन वाला जो किचन है वो मिलता है ना, तो सारा दिन काम करने का एक एनर्जी मिल जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा वो एनर्जी गेन करने के लिए मैंने वो क्लीनिंग शुरू कर दी है। तो ये जो है काउंटर टॉप क्लीनिंग और ये जो बाहर का जो है, बाहर का जो टेबल है मेरा मल्टीपर्पज़ टेबल, उसका क्लीनिंग और वो जो बेड वेड मेकिंग है, तो मैंने हर दिन का काम रहता है ना ये, अगर ना के तो ये हर घर का बात होता है। तो चलिए मैंने वो साइड अच्छे से क्लीन कर ली हूँ, अब चलते हैं अगले काम की तरफ। मेरा ये घर का जो कॉर्नर का चेयर होता है एक, तो इसमें वो जो कपड़े है वो सुखाने के बाद वहाँ पर मैं रखती हूँ और जब टाइम होता है उसको फोल्ड कर लेती हूँ। तो 2-3 दिन का जो कपड़े है वो जम गया है, फोल्डिंग नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि आज के हाथों में थोड़ा सा टाइम है तो चलिए सब कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ जो कपड़े वो फोल्ड, और जो टेबल है ना इसमें यह सुविधा हुआ कि कपड़े फोल्ड कर रख लेंगे, तो यहाँ पर मैं जो कपड़े हैं वो फोल्ड करके रख दूँगी और फिर जब हो जाएगा तो जाके वार्डरोब में रख दूँगी वो जो सारे कपड़े। तो इससे सुविधा होता है काम करने में, इजी पड़ता है। और वहाँ पर वो जो देटी बाबू का जो अलग से कपड़े है वो मैंने सेग्रीगेट करके रख रही हूँ, वो अलग से रखना पड़ेगा क्योंकि ऑफिस जाने के टाइम ना उसको नहीं मिलता, ये कहाँ है वो कहाँ है, जो सॉक्स है वेस्ट है और जो अलग जो चीज़ें हैं अंडर मैंने इनर जो होता है, तो उसको अलग से रखना पड़ता है एक जगह में, तो जहाँ से उसको आसानी से मिल जाए ऑफिस जाने के टाइम, क्योंकि रश रहता है ना मॉर्निंग में, तो इसको तो अलग जगह में रखूँगी इसलिए उसको अलग रखूँगी। और जो अच्छे कपड़े हैं बाहर जाने का कपड़े वो मैं सेग्रीगेट करके रख रही हूँ, उसको भी अलग जगह में रखना है। जैसे देखिए पिंक वाला जो ड्रेस है वो मेरा बेटी का है, वो जब बाहर जाते हैं तो वो पहनता है, लेकिन वहाँ पर जो ब्लू वाला वो जो है वो जो कपड़े का जो फोल्ड मैं कर रही थी वो जो घर पर रहते हैं वो घर पर डेली यूज़ के लिए। तो चलिए ऐसे सेग्रीगेट करके फोल्ड कर लेती हूँ और फिर उसको उसके जगह में रखना पड़ेगा, तो रख देती हूँ।
चलिए अब बना लेती हूँ हमारा मॉर्निंग एनर्जी ड्रिंक। तो हर इंडियन का जो पसंद है वो है ये सुबह की चाय। तो सुबह की चाय अगर ना मिले तो दिन शुरू ही नहीं होता। तो चलिए चाय मैं बना ले रही हूँ मेरा अकेले के लिए, देती बाबू नहीं पियेंगे चाय, और फिर चाय वाय पी के दिन शुरू करती हूँ। तो चलिए ब्लॉग को आज ही पे ख़त्म करती हूँ, और दिन का बहुत सारे काम है जो सिंडिकेट में धीरे धीरे से कर लूँगी ख़त्म। तो मेरा चाय हो गए है तैयार, अब थोड़ा रास्ट के साथ ले लूँगी मैं। तो सुबह एक तो अगर रास्ट अगर ले लेते हैं आप तो आपका बहुत टाइम तक आपका फुल रहते हो, काम करने में आसानी होता है। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलेंगे नए वाला ब्लॉग लेकर।